भैया बहनी राम राम, विलेज फूड लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अब मैं चलती हूँ। देखिए मैं आई हूँ, देखिए सनई की पेड़ के पास, यहाँ में देखिए सनई के फूल लगे हुए हैं, तो इसको देखते हुए देखिए सुरखेंगे। बहुत ही अच्छा, देखिए सनई के फूल पीला पीला एकदम खिला हुआ है। ऐसे में देखते हुए देखिए डाल बचाकर उसको सुरखेंगे। बहुत ही आराम से देखिए जो उसका डाल है मैं पकड़ के देखिए शुरू कर रही हूँ। बहुत अच्छे से देखिए टूट रहा है, तो आराम से देखिए मैं तोड़ तोड़ कैसे डलिया में रखती जाऊंगी। सनई के फूल देखने में दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है, जो खिला खिला है देखिए पीला पीला और हरा में पीला, देखिए काफी सुंदर लग रहा है। सनई अपने हाथ से बोया हुआ है और बहुत अच्छे से फूल खिलना स्टार्ट हो गया है, तो जो वही ढूंढ है मैं वही शुरू कर रही हूँ। डाल बचा बचा के देखिए सुरखेंगे। तैयार हुआ है, देखिए मैं वही ढूंढ ढूंढ के शुरू कर रही हूँ। अभी देखिएगा अभी इसमें दोबारा फूल खिलेगा। इसकी देखिए रेसिपी बहुत ही अच्छी आती है खाने में। जितना देखिए मुझे जरूरत है उतना मैंने सनई के फूल देखिए शुरू लिया हुआ है। अब मैं लग चलूंगी देखिए घर पे, तो काफी अच्छा लग रहा है। देखिए जितना भी जरूरत है उतना मैंने दाल से शुरू लिया हुआ है। देखिए डंठल पे लगा हुआ है, उसको हाथ से देखिए तोड़ते हुए अलग अलग करेंगे। जो डंठल है उसको बाहर निकालेंगे। वैसे मैं फटाफट देखिए डंठल से अलग कर लेती हूँ, जो ज्यादा मुलायम है देखिए उसको डंठल ही टूट गया है। तो मैं अच्छे से देखिए धुल कर रख लेती हूँ। सनई के फूल धो लिया हुआ है, अब जो प्याज का छिलका हटाएंगे। मैंने प्याज का छिलका हटा लिया हुआ है, अब लहसुन का छिलका हटाएंगे। लहसुन को मैंने टुकड़े में काटेंगे। मैंने लहसुन भी काट लिया हुआ है, प्याज भी है, मिर्चा को मैं काट लेती हूँ। आलू को मैंने छिलका उतार कर अच्छे से आलू को धुल के साफ कर लिया हुआ है। फूल का और भुजिया सब्जी जो कि खाने में काफी टेस्टी लगता है, तो सबसे पहले मैं चूल्हे में आग जला लेती हूँ। चूल्हे पे आग जला लिया हुआ है, इस पे रखेंगे कढ़ाई। अब कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। तेल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम लहसुन प्याज मिर्चा का तड़का लगाऊंगी साथ में डाल के।
तड़का हमारा अच्छे से पक गया है, अब इसमें डालेंगे सनई का फूल। इसमें डालेंगे आलू, वो आलू और फूल डाल के साथ में इसको हम चलाएंगे। तो मैंने आज देखिए धीमा रखा हुआ है। इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, इसमें डाल के मैं चला देती हूँ। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, पानी नहीं डालोगे इसको, तेल के सहारे इसको पकाएंगे धीमी धीमी आंच में। तो बीच बीच में मैं चेक कर लेती हूँ। सनई फूल को देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया हमारा भुजिया सब्जी एकदम बन के तैयार है। तब कढ़ाई को उतारेंगे नीचे। तो मैं आटा गूंथ के तैयार कर लेती हूँ। मैंने आटा गूंथ लिया हुआ है, अब रखेंगे चूल्हे पर तावा और रोटी बनाना शुरू करेंगे। अब मैं छोटी छोटी चकई बनाएंगे। मैं ज्यादा बड़ी बनाऊंगी, ज्यादा छोटी मीडियम सा रोटी बनाऊंगी। ऐसे मैं दूसरी रोटी बना लेती हूँ। रोटी को मैंने अच्छे से सेक लेती हूँ। तो दोनों साइड देखिए अलग पलट के रोटी के सेकेंगे। तो बहुत ही बढ़िया देखिए गोलगप्पा जैसा हमारी रोटी फूली फूली बन रही है। गर्मा गर्म देखिए मैं रोटी बनाती जाऊंगी, सब लोग खाएंगे। तो मैंने देखिए सारी रोटी बना लिया हुआ है, जो लास्ट में सेक लेती हूँ। तो अच्छे से देखिए आटा गूंथेंगे तो बहुत ही बढ़िया रोटी गोलगप्पा जैसा फूली फूली बनेगी। तो दोस्तों आज मैंने बनाया है सनई के फूल का भुजिया सब्जी, जो कि खाने में काफी टेस्टी होता है। उसके साथ मैंने बनाया है रोटी। तो अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के संग, तब तक के लिए राम राम।